सब ले लिया सामान? हाँ ले लिया, और तुम चाबी ले लो। बेटा जल्दी बस्ता ले, लेट हो गया है। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, आप दोनों की वजह से आज फिर से लेट हो जाएगा। अच्छा बुक ले लिया कि नहीं? हाँ। चलो चलो। अच्छा सुनिए, हम प्रिया को स्कूल छोड़कर आते हैं। हाँ। ले लीजिए। अरे भागड़े में इतना कचरा है, ये खिलाएगा क्या ग्राहक को? क्या तेरी जान मार देंगे हम? रुक, दिखा दो तेरे को। हमारी जिंदगी का राहु बन गया तुम, कुंडली बर्बाद कर दी हमारी। जान ले लेगा तुम्हारी, मैं अपनी आंखों से देखा तुमने कचरा डाला। अगर चल हमारी गंदगी तेरी बीवी बचाई है तेरे को, वरना गया था समझा, अपुन कर देता तेरा। देख लिया है, अपुन करेगा तेरा पार्सल। दोबारा किया तुमने, पार्सल करेगा तेरा समझा। दुकान साफ कीजिए, ग्राहक आएंगे तो क्या करेंगे? अरे हमने कहा ना दुकान लगाई है। पच्चीस का डोसा 20 रुपए में बेच रहे, सब कस्टमर उधर ही आ रहा है, तुम छोड़ेगा नहीं इसको, नहीं छोड़ेगा। अंजू प्रिया के स्कूल से आने का टाइम हो गया, तुमको जाना चाहिए। जब हम जा रहे हैं लेकिन आपको हमारी कसम, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपको झगड़े के लिए उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, सब पूछ दें हम, तुम जाओ। जिंदा रहने और दाने पानी की तलाश में पशु पक्षी भी मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रवासी होने को अगर कोई जीव बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो है इंसान। दो वक्त की रोटी की तलाश में अगर कोई दूसरे की तरफ निकल जाता है तो वहां पहले से जड़ जमाए लोग इसे घुसपैठ मान लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिल की कहानी भी कुछ ऐसी दिख रही थी। दो वक्त की रोटी की तलाश में बिहार से मुंबई आया अनिल उन लोगों के हमले को लगातार झेल रहा था जो उसके आने को अपना हक मारना समझ रहे थे, और अपने हक को बचाने की ये लड़ाई किस हद तक जाने वाली थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अरे आप, वो घर पे नहीं है। अरे भौजी ये अनिलों को कहाँ हो गया है, बरा गया है का? सब लोग उसका कंप्लेन कर रहे हैं हमसे। अब कहा है ना भौजी कि हम आपका मुंह देखकर चुप है, नहीं तो कहा है ना कि हमारा पैसा भी टाइम पे नहीं दे रहा है ना। अब कितना संभालेंगे आप, हम बताइए कितना संभालेंगे उसको? देखिए भौजी कह दीजिए उससे कि ई महीना का पैसा हमको टाइम पे चाहिए, कल ही चाहिए, अब और कोनो नाटक वाटक नहीं चलेगा उसका। वो ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की थोड़ी दिक्कत है इसीलिए थोड़ा परेशान रहते हैं। अरे भौजी पैसा का दिक्कत है तो हमसे बोली का ही नहीं आप, रुके ये लीजिए लीजिए। काहे घबरा रही है इतना? देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसा तो हम ले ही लेंगे अपना। दे रखिए भौजी, का आप भी कर रही, रखिए चलते हैं। और आ पा काला जी, ठीक है? और सैंडविच कैसे हो? और अनिल, अरे का कर रहे थे? अरे देखो रे अनिल पागल हो गया है,
अरे ये ठेला लगाने में हमारी मदद की है तो क्या समझते हो जो मर्जी आए कर लोगे? मुंह तोड़ देगी तुम्हारा, फिर दोबारा हमारी बीवी की तरफ आग उठा भी देखा ना तो जान से मार देंगे हम, समझे? कारे पागल है तू, तेरी बहनिया भी पागल है, साला का हूर पर ये कारे उसको पाकेंगे जो है। एक तो पैसा देकर उसका मदद किए और ऊपर से हमारा हमारा चुगली की, तब देखना बेटा तू देखना हम क्या करते हैं, देखना कैसे तेरे को साथ पर लाते हैं। और बच्चू पांडे जो बोलता है ना वो करके दिखाता है, और अगर नहीं किया ना तो मैं एक बाप की औलाद नहीं। कमजोर समझ के रखा है हमको, एक एक को उसकी औकात दिखा देंगे देखना तुम। इतना सब सोचने के बजाय ये सोचो कि प्रिया का फीस कैसे जमा करेंगे। चाबी लेने याद से, चलो बेटा। अरे भाई साहब आप, अंजू जरा भाई साहब के लिए चाय वाय बनाओ। नहीं नहीं मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर खाली करके चाहिए, समझा ना? अब बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। भाई साहब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई गया तेल लगाने, तुम लोगों ने 3 महीने से भाड़ा दिया है क्या, मुझे एड़ा समझ के रखा है क्या? ललित भाई साहब थोड़ा बात तो सुनिए। इज्जत से बोलता हूँ घर खाली कर दो, समझा ना? कल मेरा दूसरा भाड़ोदी सुबह रहने को आएगा, सब सामान लपटो और निकलो यहाँ से आज के आज। लेकिन भाई साहब, अंजू तुम इसे स्कूल लेके जाओ, मैं ललित से बात करता हूँ। माँ अब हमें रहने को घर नहीं होगा। अरे क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग? ये लो बाकड़ा तोड़ने का नोटिस, और ऐसे गैर कानूनी है बाकड़ा लगाना, मालूम नहीं क्या तुमको? अरे लेकिन अरे भाई साहब, अरे कितना टाइम लगा रहे हो, सारा दिन इधर ही रहने का है क्या, फटाफट तोड़ो। अरे ठहरो भाई साहब, ये भाई साहब मैं थोड़ा टाइम दे दूँ। कितने सपने लेके आए थे इस घर, गांव का जमीन वमीन सब बेच दी, अपनी बीमार माँ को भी अकेले छोड़ दिए थे गांव में। इस शहर ने हमारा सब कुछ लूट लिया, बर्बाद करके छोड़ दिया हमको, और ले दे के ये घर बचा था अब वो भी नहीं। बस अब बस इस शहर की तो शक्ल भी नहीं देखी। सारा सामान रख लिया हमने। अच्छा सुनिए ना, ट्रेन में चढ़ने से पहले प्रिया को कुछ खिला लें क्या? अगर पैसे नहीं है तो? पैसे? अरे वो राजू को हमने 15,000 रुपए दिए थे कि गांव जाने के वक्त ले लेंगे, राजू भी कुछ बोला नहीं, मैं भी भूल गया था, मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो राजू। हाँ बोलो। अरे वो 15,000 रुपए हमने आपको दिए थे रखने के लिए, गांव जाते समय ले लेंगे वो। हाँ हम भूल ही गए, अभी तो हम शिरडी के लिए निकल गए, अभी तुम एक काम करो मेरे घर जाके पैसा ले लेना। हाँ हाँ। और तुम्हें पता है ना चाबी कहाँ रखी है? हाँ हमको पता है, सूटकेस है ना उसमें कपड़े के नीचे 15,000 रुपए रखे हैं। देखो तुम प्रिया को लेकर स्टेशन पहुँचो, मैं पैसे लेके आता हूँ। अभी कहे जा रहे हैं भैया, अकाउंट में डलवा देंगे ना? अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी, और तब तक हम पहुंच जाएंगे,
अपना पैसा है, अपने हाथ में रहेगा, कोनो बुरी बात है का? हैं? चिंता मत करो, ये लो हम आ जाएंगे, चल बेटा शाबाश। पुलिस स्टेशन सर, ये उंगलियों से लगता है कि किसी आदमी की उंगली है। फॉरेंसिक के लिए ले जाओ, हो सकता है कि किसी झगड़े में या एक्सीडेंट में उंगलियां कटी हो। सर हमने आसपास भी देखा लेकिन बॉडी के कोई पार्ट्स नहीं मिले, हमने स्वीपर से भी पूछताछ की। सर ये उंगलियां जिसकी है वो आदमी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। अगर ये मर्डर है तो इसकी सीधी कंप्लेंट मिलना मुश्किल है। एक काम करो कोर्डे, आसपास के हॉस्पिटल में इंक्वायरी करो, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस आया या ऐसा कोई आदमी एडमिट हुआ है जिसकी तीन उंगलियां कटी हो। ओके सर। इसके राइट हैंड की तीन उंगलियां कटी हैं। जब इसे लाया गया था तब इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था? नहीं, इसके शरीर पे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। ये यहाँ पर आया कैसे, यानी किसी ने तो इसे लाया होगा? हमारे हॉस्पिटल के साइड गेट के पास कल रात को ये मिला था। इसकी तीन उंगलियां कटी है फिर भी ये बेहोश है, ऐसा क्यों? साथ में हेड इंजरी है, किसी चीज से जोर से टकराया। मगर ये सब हम आपको हमारे न्यूरोसर्जन के आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। और हाँ एक और बात, जब कल रात इसे यहाँ लाया गया था इसने बहुत शराब पी रखी। मुझे उस गेट के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। श्योर। कोरडे, ये लड़का जिसको ये हॉस्पिटल के गेट पे छोड़कर गया था लगभग सेम उम्र के है, और ये ऊपर की तरफ क्या देख रहा है? ऊपर जरूर कुछ है क्योंकि इसने एक बार नहीं दो बार उस तरफ देखा है। सर लेकिन ये रात के अंधेरे का फुटेज है इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। रोड साइड वाला सीसीटीवी फुटेज अगर मिलता है तो निकालो। लेकिन उस लड़के की उंगलियां हमें टाउन में मिली थी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया है, वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक किसी गाड़ी वगैरह का जरूर यूज किया गया होगा। एक लड़का जिसकी उंगलियां कट चुकी थी या शायद काट दी गई थी, लावारिस की तरह हॉस्पिटल में पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की कार्रवाई ने रफ्तार तो पकड़ी थी लेकिन ये रफ्तार कहाँ तक ले जाने वाली थी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि लावारिस आदमी से जुड़े दूसरे इंसान की पहचान फुटेज में साफ नजर नहीं आ रही थी। कौन था यह आदमी? क्या यही जिम्मेदार था इस लावारिस और अधमरे इंसान की इस हालत के लिए? लेकिन वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, फिर वो उसे बाहर ही छोड़कर क्यों चला गया? ये इसे मारना चाहता था या जिंदा रखना चाहता था ये भी एक पहेली की तरह से लग रहा था। और तभी पुलिस को एक और कामयाबी मिली इन सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में। तूने ही उस लड़के को अपने टैक्सी से हॉस्पिटल तक छोड़ा था ना? जी साहब। बोल क्या हुआ था? साहब वो टाउन में मैंने भाड़ा छोड़ा था और आगे जाके देखा तो टैक्सी भाई साहब आओ ना, इमरजेंसी है, इसको उठाना है, आइए। क्या हुआ, कुछ लफड़ा हो गया क्या? हाँ ये बेचारे हालत में हमें पड़ा मिला, इसकी मदद तो करनी चाहिए ना। अरे सोच कह रहा हूँ मर जाएगा, जल्दी आओ। भाई साहब रास्ते में जो पहला हॉस्पिटल मिले वहाँ ले लो प्लीज, आपको तो पता होगा ना कोई हॉस्पिटल, चलो। देखो साहब आपको पहले ही बोलता है हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएगा, हमको पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है, समझे क्या साहब? हम आपको हॉस्पिटल का गेट है ना उधर ही छोड़ेगा। हाँ चलो चलो चल ठीक है चलो। उसके बाद आगे क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम साहब। तुझे उस लड़के की शक्ल याद है जिसने टैक्सी रोकी थी? देखेगा तो पहचानेगा। हाँ साहब। भाई साहब
आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया। सर ये फोटोज तो हम देख चुके हैं ना? हाँ, लेकिन एक बात का नोटिस नहीं किया हमने। कौन से? ये देखो, ये जब इस आदमी को हॉस्पिटल की गेट की ओर ले जा रहा था तो उसकी जेब से एक कागज गिरा। ये कागज हमें उस आदमी तक पहुंचा सकता है। सर ये रिसीट मिली है, किसी कपड़े की दुकान की है, मैग्नेट क्लॉथ हब। ये बिल तुम्हारी दुकान का है? जी साहब। क्या इस कस्टमर के सारे डिटेल्स मिल पाएंगे हमें? हाँ सर, एक मिनट। सर फोन नंबर लिख लीजिए, 9820। जिस दिन ये कस्टमर तुम्हारी दुकान पर आया था उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। हाँ सर, मिलेगा ना, एक मिनट। ये देखिए सर, एक मिनट पॉज कर लो। तुमने उस आदमी को हॉस्पिटल तक छोड़ा, यह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और हाँ, उसे गेट तक क्यों छोड़ा, एडमिट क्यों नहीं किया? सर मैं उसे एडमिट कराता तो आज नहीं, उसी दिन मुझे पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाने पड़ते। आप मदद कर दो किसी की, मुसीबत फ्री में आती है साथ में। वो तो मैं था जिसने हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ दिया उसे। नहीं, ऐसी कंडीशन में कोई सर हेल्प तो क्या पास नहीं आना चाहते लोग, पर अब लग रहा है मुझे गलती कर दी मैंने। नहीं नहीं, गलती नहीं, अच्छा काम किया तुमने। अच्छा वीरेन, एक बात बताओ, उस वक्त तुम बार बार ऊपर क्यों देख रहे थे? कौन था वहां, क्या था? सर वो टैक्सी वाला भाग गया था वहां से और मैं मदद के लिए वहीं खड़ा हुआ था, देख रहा था कोई आएगा वहां पर। कोई आया नहीं सर, मैं निकल गया वहां से। हॉस्पिटल के गेट से कोई ना कोई तो ले ही जाता ना सर उसे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जी सर। एक मिनट। ये क्यों सर? नहीं बस, हमारे रिकॉर्ड के लिए। कमाल करते हैं सर आप लोग। दीदी पता नहीं हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए, बोलकर गए थे कि किसी दोस्त के पास जा रहे हैं। तूने वहाँ देखा क्या? नहीं। तू एक काम कर, प्रिया को और सामान को इधर छोड़ और तू जाके देख के आ। कोरड़े, वो बंदा जो हॉस्पिटल में है उसका फोटो पेपर में छपवाओ। वो कौन है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। सर, पर एक औरत आई है आपसे मिलना चाहती। साहब, मैं, मेरा पति अनिल झा और मेरी बेटी प्रिया, हम लोग गांव जाने वाले थे साहब सदा के लिए, लेकिन स्टेशन से पहले उनको याद आया कि उन्हें अपने किसी दोस्त से पैसे लेने हैं। अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी, और तब तक हम पहुंच जाएंगे। चल बेटा, शाबाश। जो गए तो लौटे ही नहीं साहब। तुम्हारे पति कल रात से गायब है और तुम अब आई हो रिपोर्ट लिखने के लिए? वो साहब, उनको जरा दारू का आदत था, पहले भी कई बार ऐसे किए थे कि सुबह लौटे, जब सुबह तक भी नहीं आए तो मैंने हमारे बस्ती में जाकर देखा। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया, जाओ यहाँ से निकलो। जिस दोस्त के पास गए थे मैं वहाँ पर भी जाकर देख कर आई, तब से फोन बंद आ रहा है साहब, इसीलिए अभी रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ साहब। तुम्हारे पति जहाँ पैसे लेने के लिए गए थे उस दोस्त का नाम और एड्रेस मुझे दे दो। जी साहब, उसका नाम राजू है और वो लाइफलाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में एक मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। क्या यही तुम्हारे पति? नहीं साहब, ये प्रिया के पिता नहीं है। कोरड़े, ये जहां बता रही है उस एड्रेस पे जाके चेक करो। ओके सर।
नमस्कार साहब। आप इस घर के मालिक हो? हाँ साहब, मैं मालिक हूँ। राजू यहीं रहता है? जी हाँ साहब, यहीं रहता है। वो सीढ़ी गया हुआ है। उसे मिलने के लिए कोई आया था? हाँ साहब, एक औरत आई थी उससे मिलने। राजू का कमरा कहाँ है? ऊपर है साहब। राजू के कमरे की चाबी आपके पास? हाँ है ना। हाँ सर। ये क्या, चाबी तो पहले से लगी हुई है। ये मैं पहले देखा नहीं था साहब। रेखा में एक आदमी हॉस्पिटल में था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी, और पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन क्यों और किसने मारा था इसे? एक ही रात में एक ही जगह पर दो हादसे होते हैं, जिसमें से एक की पहचान में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी और दूसरे की पहचान की जद्दोजहद अभी शुरू होनी थी। ये दोनों आदमी और हादसे एक दूसरे से अलग थे या इनका आपस में कोई सरोकार था? सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि मर्डर होके काफी वक्त बीत चुका है, और इसके जेब में ये 15,000 रुपए मिले, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे हैं, और वो टूटा हुआ मोबाइल। मतलब ये चोरी का मामला भी नहीं हो सकता। कोई अंदर आया, इस पत्थर से इसे मारा और भाग गया। भागते हुए डरा हुआ होगा, इसलिए डोर लॉक किया, लेकिन चाबी वहीं छोड़कर चला गया। कोल्डे, तुम कह रहे थे कि इस रूम का मालिक 2 दिन से यहाँ नहीं आया, तो फिर ये कौन है? मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, और वो मेरा जिगरी था साहब, मैं क्यों मारूंगा साहब? वो अपना 15,000 रुपया लेने गया था। अरे वो 15,000 रुपये हमने आपको दिए थे रखने के लिए। अभी तुम एक काम करो, मेरे घर जाके पैसा ले लेना। और इसीलिए तूने उसको मारा, ताकि पैसा ही देना ना पड़े? हाँ नहीं साहब, बाबा की कसम, मैं शिरडी में था साहब, टूरिस्ट गाड़ी में, और भी पैसेंजर थे। आप गाड़ी वाले से पूछ लो साहब। कोर्ट जाने दो इसे, चले चल। नजर रखने को बोलना इस पे, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। अंजू जी, आपके पति अनिल झा, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहब, उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, जीना हराम कर रखा था साहब, तभी तो गांव जा रहे थे हम लोग। किसकी वजह से मुंबई छोड़ रहे थे? साहब शेट्टी की वजह से। पार्सल करेगा तेरा, समझो। चले बाजू जा। सलाम साहब। तुमको साहब ने बुलाया? काय को? चल पता चलेगा। अरे साहब, आपने कुछ नहीं करा। अरे चल। अरे साहब सुने तो सही। साहब चल। अपुन की साहब उससे खुन्नस थी, वो साहब अपुन से आधे रेट में डोसा बेचता था, और कोई भी ग्राहक अपुन की दुकान पे नहीं आता था साहब। हाँ साहब, अपुन चाहता था कि वो दुकान बंद करके यहाँ से चला जाए, और साहब वो जा भी रहा था, तो फिर साहब अपुन काय को? सैंडविच वाले से भी तो उसका लफड़ा हुआ था। बेटा सैंडविच खाओगी? सादा बनाओ या टोस्ट? ए, दुर्हट मेरी बेटी से, बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है। आंखें निकाल लेंगे दोबारा हमारी बेटी की तरफ देखा भी तो, जान ले लेंगे तुम्हारी, जूते से मारेंगे कह देते हैं हम। चलो बेटा। मैं तो प्रिया को अपनी बेटी समझकर प्यार करता था साहब। देखिए साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए, पर मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए साहब दूसरे के बच्चों को खिलाकर खुश हो जाता था साहब, पर उसके लिए बहुत बेइज्जती सहना पड़ा साहब। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला? हा? नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोलता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रेखा में बिठा के रखो इसे, जब तक ये सच ना उगले। सर साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोलता है साहब। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
पीएम रिपोर्ट के मुताबिक खून रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में हुआ है और सर पे किसी भारी चीज के वार से हुआ है और अनिल के बॉडी में दारू का परसेंटेज भी बहुत है। सर लेकिन हमने उस रूम में जब छानबीन की तो वहाँ शराब की बोतल तो नहीं मिली हमें। कोरड़े, अनिल जहाँ स्टॉल लगाता था उसके आसपास के स्टॉल वालों को छोड़कर किसी और से पूछताछ करो, जिनको अनिल से नुकसान हुआ है उन लोगों से। यहाँ के सभी दुकानों पर तुम ही हार डालते हो? हाँ साहब। अच्छा ये जो अनिल है उसका यहाँ किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ साहब हुआ था झगड़ा, वो आयप्पा स्वामी, वो सैंडविच वाला और वो बच्चू पांडे, उनके साथ भी बहुत ही मचमत हुआ साहब। बच्चू पांडे? हाँ। कौन है ये बच्चू पांडे? ये बच्चू पांडे साहब यहाँ सभी स्टॉलों पर हफ्ता वसूली करता है साहब, स्टॉल डालने में उसकी मदद भी किए थे साहब, पर 2 दिन पहले झगड़ा हुआ साहब। एक तो पैसा देकर उसका मदद किए और ऊपर से हमारा चुगली की, अब देखना बेटा तू देखना हम क्या करते हैं। ये बच्चू पांडे कहाँ मिलेगा? गलत बोला है कौन है आपको साहब? अरे अनिल हमारा दोस्त था, हम काहे झगड़ा करेंगे उसे साहब? तेरी नजर उसके बीवी पे थी और झगड़ा भी उसी की वजह से हुआ था, बर्बाद कर देना चाहता था तू उसे। अरे हम क्या बर्बाद करेंगे साहब उसको, वो तो खुद ही बर्बाद कर दिया अपने आप को सब, भाकड़ा बांध कर दिए थे हम उसको, भाड़ा तक नहीं दे रहा था, ससुर एक दिन हमारा ही कॉलर पकड़ लिया था साहब। यही बात तेरे ईगो पे लगी और तूने बदला लेने के लिए उसी की जान ली? अरे नहीं साहब, हमारा किसी से कितना भी दुश्मनी काहे ना हो लेकिन हम किसी का जान नहीं ले सकते साहब। चल जा। जाए जाए साहब। जा। हाँ साहब। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? रिका में सर, पुलिस एक साथ 2 केसेस पर काम कर रही थी लेकिन दोनों ही आधे अधूरे थे सिवाय छोटी मोटी कामयाबी के, और अनिल से जुड़े लगभग हर इंसान को पुलिस टटोल चुकी थी। ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े भी थे या नहीं, और अगर जुड़े थे तो क्या थी वो कड़ी जो इन्हें जोड़ती थी? सर सर वो हॉस्पिटल वाले लड़के का पता चल गया है सर, वो किसी हॉस्टल में रहता है, और सर ये भी पता चला है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है, नाम उसका अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह? वो तो हमारी क्लास में है, काफ़ी दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। अच्छा ये अर्जुन सिंह के ग्रुप में और कौन कौन है? उसके बहुत सारे फ्रेंड है सर, बट सोनल और वीरेंद्र उसके बेस्ट फ्रेंड है और तीनों साथ में घूमते रहते हैं। अच्छा इसे पहचानते हो? यस ये तो वीरेंद्र है। हाँ ये तो वीरेंद्र है। यस सर हम सब लोग फ्रेंड्स हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन हो। और सर अर्जुन क्या उस रात पार्टी के बाद वीरेंद्र कहाँ गया, उसकी भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ था ये तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में कभी नहीं घुसते। इनको जरा बाहर बैठाना। पर सर मैंने क्या किया है, ये तो जाती है ना मेरे साथ। बैठिए थोड़ा वक्त, सब समझ में आएगा। चलो कोरड़े, जितने जल्दी हो सके इस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। कितना वक्त लगेगा? सर अगर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को एसीपी साहब के ऑफिस से फोन जाता है तो आधे घंटे में। डू इट। ओके सर। सर आपका शक सही निकला, सोनाली हमसे झूठ बोल रही है। उस रात वीरेन ने उसे 1 बार नहीं 3 बार फोन किया। इसका मतलब सिर्फ सोनाली नहीं वीरेन भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वीरेन ने अर्जुन को सड़क पे पड़ा आदमी बोला था। मतलब वीरेन का इस एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, या फिर ये एक्सीडेंट वीरेन ने ही किया है। वीरेन हमसे कुछ छुपा रहा है, ऊपर जरूर कुछ है क्योंकि इसने 1 बार नहीं 2 बार उस तरफ देखा है। लाइफ लाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में 1 मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। कोरड़े, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे यहाँ कितनी देर और बैठना पड़ेगा? बस अभी थोड़ी देर। ये तुम ही हो? यस और नो? हाँ सर। इसी रास्ते पे हमें अर्जुन की उंगलियां मिली थी, देर रात को जब रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तुम 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रही थी।
अब तुम सच बताती हो या लेडी कांस्टेबल को बोलूं सच उगलवाने के लिए? सर, उस रात हम पार्टी के बाद सब साथ में ही आए थे। हालत देखो अपनी, तुम लोगों ने कितनी पी लिया। चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। यार ये तो ऐसे बोल रही है, हमसे गलती हो गई हो भाई, जानबूझ के पिया हमने। ये गाड़ी चलाएगी? यस, मैं गाड़ी चलाऊंगी। तुझे का शक हो रहा है इस पे? भाई आज ही ना रही हो, सब पे बारी है। शट अप, ओके? चलो गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ती हूँ। चलो आजा। अरे आना, आओ। अर्जुन, 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 सोनाली तुम घर जाओ। सुनो, मैं अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। वीरेन, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। सोनाली यहाँ से घर दूर नहीं है, तुम घर जाओ, मैं इसे लेके आ रहा हूँ। चलो वीरेन को फोन करो अभी। सर, उसने फोन बंद कर रखा है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो तुम्हें बार बार फोन करता है दिन भर। अब जब भी उसका फोन आएगा तो तुम उसे बुलाओ, जगह हम बताएंगे। लेकिन सर, जो तुमने किया है ना वो काफी है तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखने के लिए। इस सबसे बचना चाहती हो तो वही करो जो हम कहेंगे। सोनाली के हाथों एक्सीडेंट हुआ, तुम अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल आए, अब ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? बताओ। क्या बे, क्या समझते हो सालो खुद को? हाँ, अनिल झा नाम है हमारा, अनिल झा। पटक के मारेंगे तुमको, चीर के रख देंगे, समझे? साले तुम्हारी लाश को कौओं को खिला देंगे, कौओं को। अब दिखा आंखें। अरे आना लड़ना हमसे, साले एक झापड़ में भन बना देंगे तुमको। आ साले, आ। हाँ, क्या प्रॉब्लम? क्या फोन निकाल। प्रॉब्लम तो तुमको बता दिए, ये देखो हमने रिकॉर्ड कर दिया ये प्रॉब्लम को, और पुलिस में जाएगी ये प्रॉब्लम। है कौन है, क्या बिगाड़ा तेरा मैंने? फोन निकाल, मारेगा जान, मार के तुम्हारा मार। फोन निकाल, मारा मारी का धोंस मत दी। फोन निकाल, फोन दे, फोन निकाल अंदर। छोड़, मैं कह रहा हूं छोड़। कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड में मौजूद समस्त प्राणियों में से सबसे ज्यादा समझ इंसान को दी है, और उसी समझ का हाथ पकड़कर इंसान ने विकास भी किया। पर इसी विकास के साथ साथ इंसान ने कुछ विषमताओं को भी जन्म दिया है, और उनमें से एक भावना है असुरक्षित महसूस करने की भावना। और जब इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो उसी बदहवासी में वो किसी पर भी हमला कर बैठता है। इसी असुरक्षा के भाव ने अयप्पा शेट्टी को जन्म दिया, बच्चू पांडे को जन्म दिया, और इसी भाव ने अनिल के परिवार को तहस नहस कर दिया। शराब भी एक ऐसी ही कमजोरी का रूप ले लेती है जब इंसान अपने अंदर के गुस्से और शैतान से हार जाता है, और किसी अनिल किसी अर्जुन की जिंदगी अपाहिज हो जाती है, मिट जाती है, और उनके अपने मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सहारे के लिए।
वीरेंद्र को गुनाह छुपाने अनिल की हत्या करने के लिए और सोनाली को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, गुनाह छुपाने और अर्जुन का एक्सीडेंट करने के लिए हिरासत में लिया गया। से कुएं में जो कट्टे मिले उन कट्टों में वो कट्टा नहीं था जिससे शोभा का मर्डर हुआ। हाँ सर, और रिपोर्ट से ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि कुएं से मिली कट्टों की खेप और साइकिल वाले के पास से मिली खेप दोनों एक ही गन फैक्ट्री में बने। शुक्ला हो ना हो, इस इलाके में देसी कट्टे का कारखाना जरूर चल रहा है। ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा कारखाने चल रहे हैं। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। एक काम करो सर, अपने खबरियों को अलर्ट करो। ओके सर। उस दिन जो कट्टा मिला था ना, वो वाला बात किसी को बोलना नहीं, समझे? ठीक है बड़े पापा, नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। कहाँ है दसों कट्टा? अरे तुम्हारे बाप का माल है रे, पूरे 1.5 लाख का माल गायब किए हो। 3 दिन देते हैं तुम्हें, माल का रिकवरी नहीं हुआ ना, हमरे आगे लाके नहीं धरा ना, खोपड़िया में गोली दाग देंगे। देते हैं 3 दिन, 3 दिन का मोहलत। कट्टों का अवैध व्यापारी कट्टों के लापता होने पर बौखलाया हुआ था, किसी को इस नुकसान के लिए धमका रहा था। कौन था ये और किसको धमका रहा था? अपनी पारिवारिक जिंदगी से त्रस्त होकर पिंकी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कुछ देर के लिए परिवार सन्नाटे में आ गया, पर फिर शोभा की हत्या के रहस्य ने एक नया रंग पकड़ा जब अब तक इस हत्या से पल्ला झाड़ने वाला प्रकाश कुछ बेचैन सा किसी को ढूंढने निकल पड़ा। ए, कारे। पब्लिक देखाएगा? अरे वो जो हमारे बड़े पापा है ना, मिले थे हमको एक दिन, अरे झाड़ी में हमको कट्टा मिला, देख डाले। क्या बात कर रहे हो, फिर क्या हुआ? अरे फिर होना गाथा, बोले लाओ दिखाओ यहाँ, हमने दे दिया, फेंक दिया तालाब में। अरे आज जो ये 500 रुपए मिला है ना, इसीलिए तो मिला है। अच्छा चलो हम भी तुम्हें एक तो सीक्रेट बताते। तो बता ना। अरे क्या हुआ, एक दिन हमको भी एक तो कट्टा मिल गया वो झाड़ियों में, पर तुम्हारे पापा है ना देख लिया हमका और छीन लिया हमसे और चिल्ला के कहने लगे भाग साला, और ऐसे कह के निकल गए कि तालाब में फेंकेंगे। फेंक दिया। बुड़बक समझते हो काम का? अरे हमें भगा के कट्टा दबा के निकल लिए। और हमें तो लगता है तुम्हारे घर ये जो वर्डर हुआ ना, ये तुम्हारे बाबूजी की करामात है। और अगर ये बात हम वो पुलिस बा को बताए ना, तो हमें 500 की जगह 5000 मिले। चल चल, 10 रुपए तो है नहीं जेब में, वो बात कर रहा है, चल डाल ये ले। अरे कारे, अब लोग देखा का? हाँ, वो टीला पे तुम्हारे बेटे के साथ ताश खेल रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है सर। किसी ने यहां से किसी को आते जाते देखा? किसी ने नहीं देखा सर। सर ये रही बबलू पे चलने वाले कट्टे की बैलिस्टिक रिपोर्ट। बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये तो साबित हो गया कि बबलू की हत्या और शोभा की हत्या एक ही हथियार से। हाँ सर, और वो हथियार अभी तक गायब है। यहां दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि शोभा का हथियारा और हथियार दोनों गायब है, और दूसरी इस इलाके में फैलता हुआ देसी कट्टों का कारोबार, न जाने ये अवैध हथियार किस किस के हाथ लग चुके हैं। क्या कहां? हार्डिंग रोड।
सर वो प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे मेरे से। प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे और आपने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। हथियार कहाँ है? कौन सा हथियार सर? किडनैपर पे आपने फायर किया था ना? वो तो पता नहीं सर किधर हथियार लाएंगे या फिर आर्म एक्ट का केस दर्ज करूं आप पर। वाह डॉक्टर साहब, आप जैसे लोग कानून को हाथ में लेंगे तो कैसे चलेगा? जेल होगी आपको। किससे खरीदा सर? कोई राय था सिंगेश्वरी राय, लेकिन डिलीवरी देने कोई और आया था सर। कौन सी तारीख को सर? कोई महीना भर पहले की बात है। कोई फोन नंबर एड्रेस है आपके पास? हाँ हाँ सर है सर। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। नंबर तो बंद है। आपके क्लिनिक की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चाहिए मुझे, पिछले दो महीने की। मिल जाएगी सर। बिठाओ इन्हें गाड़ी में, केस बनेगा इन पर। चलिए वकील साहब को फोन करो। चलिए सर। ये तो कोई औरत है लेकिन इस फुटेज में इसका चेहरा नहीं दिख रहा है। दूसरी सीडी लगा। पिंकी गन रनर, ये इसका मतलब ये अपने घर में हथियारों का पूरा जखीरा लेकर बैठी हुई थी, तो कट्टा घर में ही मौजूद था। अब उस कट्टे का इस्तेमाल किसने किया है वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ सर, और इस गन रनिंग का सरगना कौन है वो भी इसके जरिए हम जान लेंगे। ए देख रे, मम्मी आई का। प्रकाश, पिंकी कहाँ है? कहाँ है पिंकी? उसको ही फोन लगा रहे। अरे प्रकाश भैया, वो झाड़ी में। भैया वो भाव हटाओ, पीछे समझ लो। शुक्ला सर, ये सारा रैकेट इस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में चल रहा था। इस दुकान का बैकग्राउंड चेक करो। ओके सर, चल। शोभा और बबलू, इन दोनों के शरीर पर जो इंजरीज के निशान हैं, इनसे साफ पता चलता है कि ये मर्डर किसी नौसिखिए ने किया है। लेकिन पिंकी, इसके माथे के बीचों बीच गोली मारी गई है, पॉइंट ब्लैंक। ये काम किसी नौसिखिए का नहीं है, किसी प्रोफेशनल का है। सर फिर तो ये भी हो सकता है कि ये काम कट्टा के व्यापारियों ने किया हो सकता है। मार्केटिंग की आड़ में पिंकी देसी कट्टे सप्लाई कर रही थी। कुएं से हमें 9 कट्टे मिले और एक कट्टा वो जो गायब है। ये सारे कट्टे पिंकी के हिस्से के। जाहिर सी बात है कि इसकी भरपाई भी पिंकी को ही करनी थी। आज नहीं तो कल पिंकी हमारे गिरफ्त में आ ही जाती, और पिंकी के जरिए वो कट्टा व्यापारी। और इससे पहले कि पुलिस पिंकी के जरिए उन तक पहुंचे, उन्होंने पिंकी को रास्ते से हटा दिया। शुक्ला सर, संभावना है कि राजेश और प्रकाश के परिवार में कोई ना कोई तो ऐसा जरूर होगा जिसे ये खबर होगी कि पिंकी देसी कट्टों का व्यापार चला रही थी, क्योंकि प्रकाश की माली हालत से साफ साफ दिखाई देता है कि पिंकी बहुत अरसे से ये काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ बोलो। ठीक, क्या हुआ? सर अपनी खबरी का फोन था, कह रहा था कि जिस दिन बबलू का मर्डर हुआ उसी दिन सुबह प्रकाश बबलू को बस्ती में खोज रहा था।
हमारा परिवार में किसी का नजर लग गया सर, देखते देखते रन से बन हो गया सर। जिन लोगों के लिए तुम्हारी बीवी काम करती थी उनका फोन नंबर या एड्रेस है तुम्हारे पास? नहीं सर, हमको कुछ नहीं पता सर, हमको सिर्फ इतना पता साबुन तेल बेचती, ये जो कट्टा अट्टा का खेल है इसके बारे में हमको कोनो जानकारी नहीं, हमको कुछ नहीं पता सर। हाँ इधर कुछ रोज से कोई उसको फोन में बहुत धमका रहा था, बेचारी बहुत डरी हुई थी। और ये बात तुम हमें आज बता रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम सब बातें खुलकर सही वक्त पर नहीं बताते। अब हम कहाँ छुपाए साहब? कहाँ छुपाए? जिस रोज बबलू मरा उस रोज तुम बबलू को क्यों ढूंढ रहे थे? वो ऐसे नहीं बोलेगा, लेकर चलो इसे थाने। 5-10 दिन थाने के अंदर आएगा ना तो इसकी झूठ बोलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। चल। नहीं, 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 बबलू को एक रोज एक कट्टा मिला था। कट्टा? कौन सी तारीख को? वो कट्टा कहाँ है? हम तालाब में फेंक दी। पानी में कोई कट्टा नहीं मिला सर। साहब हम यहीं पे गए थे कट्टा, कसम से। शुक्ला सर, या तो कट्टा यही है या फिर उस कट्टे को किसी ने यहां से निकाल लिया है, क्योंकि प्रकाश ने बबलू को शोभा की हत्या के एक रोज बाद कट्टा निकालते देखा था। हो सकता है कि हत्यारे ने उससे हत्या की और झाड़ियों में छुपा दिया। सर हो सकता है कि यह हत्या बबलू ने ही किया? नहीं, क्योंकि बबलू का इस परिवार से कोई लेन देन नहीं। लेन देन है सर, क्योंकि वो सिद्धू के साथ पत्ते खेलता था। साहब एक को बात बतानी थी हमको सर, एक कट्टा हम भी देखे थे, सिद्धू झाड़ी में छुपा रहा था। सिट्टू कहाँ है? साहब अभी तो घर में ही था। घर पर? सिट्टू भाग चुका है शुक्ला, सिट्टू की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन और चेक नाकाओं पर फौरन सर्कुलेट करवाओ। शुक्ला मुझे लगता है कि सिट्टू को अपने माँ के धंधे के बारे में पता चल गया था। उसने कट्टों की खेप अपने घर में देख ली थी, पैसे कमाने के चक्कर में उसने एक कट्टा उस खेप में से निकाल लिया। लेकिन सर ये हत्याएं? शुक्ला हो सकता है ये हत्याएं सिट्टू ने ही की। सर एक कट्टा राजेश ने देखा था और एक प्रकाश ने। शुक्ला सर लेकिन वो कट्टा एक ही था जिसे तालाब में फेंक दिया गया और फिर निकाल लिया गया। इस सबके पीछे एक ही आदमी का हाथ है, आदमी नहीं एक बच्चे का हाथ है। सिट्टू अब तक इस अपराध की सबसे गैर जरूरी कड़ी, बिखरते हुए परिवार का सबसे मासूम विक्टिम, एक तरह से कहा जाए तो बड़ों की कारगुजारी का सबसे बड़ा भुक्त भोगी। माँ बाप की लापरवाही की वजह से बहुत से गलत आदतों का शिकार हो गया था सिट्टू, कई तरह के गलत लोगों की संगत में पड़ गया था वो, और इस वक्त सिट्टू लापता था। पुलिस सबूत के हर सिरे को तलाश चुकी थी लेकिन सिट्टू तक जाता यह नया सिरा मानो सच का आगाज कर रहा था। पुलिस का सिट्टू तक पहुंचना बेहद जरूरी था क्योंकि सिर्फ हत्या ही नहीं बल्कि हथियारों के जखीरे का सच भी कहीं ना कहीं सिट्टू से जुड़ रहा था। पर आखिर सिट्टू था कहां? कौन है? सिट्टू पिंकी सिंह का बेटा। पिता बैठ, कहाँ आया रे इधर?
किसने दिया एड्रेस? एक रोज मम्मी यहाँ आई थी, हम भी पीछे पीछे आए थे उनके फॉलो करके। कहाँ आया था यहाँ? हमरा कोई नहीं है, सब खत्म हो गए। मम्मी मर गई, पापा जेल में है, पुलिस घर में ताला लगा दिए। तो हमको रख लीजिए भैया, जो मम्मी से करवाते थे हम भी कर देंगे। क्या करवाते? हमको सब मालूम है भैया, कट्टे की मार्केटिंग हम भी कर सकते हैं, मर्डर वर्डर सब कर सकते हैं, बल्कि किए हैं, दो दो मर्डर करके आए हैं। भैया हमको रख लीजिए। अरे ये क्या बना दिए, बच्चों का खिलौना है क्या? भैया प्रणाम। ये सिट्टू है भैया, पिंकी सिंह का लौंडा, बहुत होशियार लौंडा है भैया, काम सीखना चाहता है, काम करेगा अपने लिए। हाँ जरूर जरूर, रखने से भी होशियार दिखता है। कहाँ तक पढ़े हो? वो नौ क्लास तक। ए चारू इधर आ। जी भैया। बिडुआ को बिठा, कुछ ठंडा वंडा पिला। आते हैं। ए दिलीप बोलिए। बड़ा काम का लौंडा है भैया जी। थाला नागिन को मारे सपोला ले आया तू? भैया जी एक तो बीता का लौंडा यहाँ तक पहुँच गया, पुलिस को आने में कितना समय लगेगा? बहुत बड़ा लौंडा, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा एक शब्द और बोले तो। उसकी माँ 10 कट्टा गायब कर दी, बोली घूम गया। अरे पागल समझी थी का? पिंगी का हिसाब तो हो गया ना भैया जी, ये तो उसका लौंडा है भैया जी। भेजा में गोबर भरे हो का? जिस दिन उस लौंडे को पता चलेगा कि उसकी माँ को हम मारे हैं, उस दिन चल हम बताते हैं। लेकर चलो इसे। चल 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 चल। चुआ पापा, अरे कहाँ चला गया था रे तू? सा कहाँ मिला ही आपको? ये हमें मिल तो बहुत पहले गया था। सर ये देखिए, इसके बैग से ये कट्टा मिला है। तो तुझे पता था कि तेरी मां कट्टों का व्यापार करती थी? जी सर। देख तेरे पास अब एक ही रास्ता है, हमारी मदद कर। वो जो मार्केटिंग वाले लोग हैं जिन्होंने तेरी मां को मरवाया, उन्हें पकड़वाने में पुलिस की मदद कर। जी सर। उतरो। सित्तू जितना कहा गया याद है ना? बेटा
जा, रुक जा, हिलना मत, कट्टा दे, ले कट्टा लो इसे, चल। सारे फसाद की जड़ ये तेरा बाप है, बता अपने बाप को क्यों मारा शोभा और बबलू को। शोभा बड़ी मम्मी को हम मारे। पापा, आपकी और मम्मी की रोज रोज की लड़ाई देखकर हमें बहुत दुख होता था, बहुत बुरा लगता था, इसलिए हम आपका पीछा किए। और आपको शोभा बड़ी मम्मी के साथ मिलते हुए देख लिए। बहुत बार पीछा किया, बहुत बार मिलते हुए देखे, अच्छा नहीं लगा। मम्मी को शक था कि आप किसी से मिलते थे, लेकिन मम्मी को ये नहीं मालूम था कि आप शोभा बड़ी मम्मी से ही मिलते थे, ना हमने उसको बताया। मम्मी क्या करती थी जानते थे हम। हमने तो बड़ी मम्मी को मारने का प्लान तो पहले ही बना लिया था। एक रोज हम मम्मी के थैले से सारा कट्टा निकाल लिए। उसमें 10 कट्टे थे, जिसमें से 9 कट्टे हम कुएं में छुपा दिए और तालाब में फेंक दिए। बड़े पापा के जाने के बाद हम तालाब में घुसकर वो कट्टे निकाल लिए और उसी रात पापा शोभा बड़ी मम्मी से मिले थे। पापा के निकल जाने के बाद हम शोभा बड़ी मम्मी को गली में घेर कर उन्हें गोली मार दी और उस कट्टे को पेड़ के खो में छुपा दिए और दौड़कर अड्डे में चले गए अपने दोस्त लोग के साथ पत्ते खेलने के लिए। और किसी को शक भी नहीं हुआ। अगर हमें पहले मालूम होता कि मेरे इस गलती की वजह से आज हमारे बीच मेरी मम्मी नहीं रहेंगी तो कभी नहीं करता सर, मैं कभी नहीं करता ऐसा। वो लोग मेरी मम्मी को गोली मार देंगे। मुझे नहीं पता था सर, मम्मी का थैला चुराने से अगर मम्मी की जान को खतरा था, अगर मुझे पता होता सर तो कभी नहीं करता। ये बता कि बबलू को क्यों मारा। बकवास कर रहा था साला, पापा को फंसाने की बात कर रहा था। हमें तो लगता है कि तुम्हारे घर ये जो वर्डर हुआ है ना, तुम्हारे बाबूजी की करामात है। और अगर ये बात हम वो पुलिस बा को बताएं ना, तो हमें 500 की जगह 5000 मिले। मम्मी मर गई, पापा चले जाएंगे तो अब की बार हम भी मर जाएंगे। मम्मी से कम प्यार नहीं करते थे पापा को। शोभा और बबलू को तूने उसी कट्टे से मारा ना, जिस कट्टे को तेरे बाप ने बबलू से छीन कर तालाब में फेंक दिया। जी सर। बाद में तालाब से कट्टा वापस लिया है। चिट्टू ने अपराध किया है, संगीन अपराध, लेकिन चिट्टू ने एक अच्छा काम भी किया है। पटना क्षेत्र के कट्टा व्यापारियों को पकड़वा कर पुलिस की मदद की है। और ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट से चिट्टू के लिए रियायत मांगेंगे। आज दुनिया में सभी बेतहाशा भाग रहे हैं, मानो एक होड़ सी लगी है। सफलता और भौतिकवाद की इस होड़ में इंसान एक दूसरे को कुचल कर आगे निकल रहा है, पर अफसोस इस दौड़ में उसके पैरों तले सिर्फ अपरिचित और अनजान ही नहीं बल्कि उसके अपने भी आ रहे हैं। आज बच्चा क्या करता है, कहां जाता है, किससे मिलता है, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त माँ बाप को शायद कई बार इसकी कोई सुध नहीं है। नतीजा, समाज में सिट्टू जैसी मानसिकता बढ़ती जा रही है। सिट्टू नाबालिग था, अपने अपराध के परिणामों से नावाकिफ था, इसलिए कानून ने उसे सजा न देकर बाल सुधार केंद्र में भेज दिया। सिट्टू के अपराध में कहीं ना कहीं उसके माँ बाप भी भागीदार थे। पिंकी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने की होड़ में थी और प्रकाश अपने अवैध संबंध में व्यस्त था। जिंदगी में पैसा जरूरी, सफलता जरूरी, लेकिन हर चीज की एक कीमत है, इसलिए ध्यान रहे कि कहीं इसकी कीमत अपनों की, अपने बाल बच्चों की खैरियत से ना अदा करनी पड़ जाए। इसलिए सब्र करें, सतर्क रहें और सिर्फ जानकारी का ही नहीं बल्कि विवेक का भी इस्तेमाल करें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद।
क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।